The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. आज का वीडियो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. मान के चलिए कि आपके फैमिली वाले किसी को हार्ट अटैक या छाती में दर्द हुआ है, आपके किसी को, आपके नोन पर्सन को, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, गॉड फॉरबिड, बट यस, लेट्स अज्यूम दैट समबडी हैज़ अ चेस्ट पेन इन योर हार्ट, और आप रश करते हो हॉस्पिटल आसपास के, और हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में आप जा रहे हो, और पहला चीज़ वहाँ पर हो रहा है, आपने हिस्ट्री बताई, भाई दर्द हो रहा है, छाती में दर्द है, पसीना आ रहा है. सो हिस्ट्री में सबसे पहले वहाँ पर की जाती है ECG. तो ECG में देखा गया कि ECG में कुछ गड़बड़ी लग रही है. वहाँ के जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि ये हो रहा है हार्ट अटैक. सो हार्ट अटैक ये सुन के भाई आप घबरा तो जाओगे, लेकिन जो समझाया जाता है उस डॉक्टर का, आज वो हम आपको समझाएंगे. हम वो डॉक्टर हैं, आप वो पेशेंट हो, पेशेंट के रिलेटिव हो. सो आपके पेशेंट के रिलेटिव को हम क्या समझाते हैं, एक हार्ट अटैक पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, के रिलेटिव को हम क्या बोलते हैं, कि उसका क्या इलाज है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, क्या समय है, वो आज आप सुनेंगे. सो आपके पेशेंट को जो छाती में दर्द हो रहा है वो हार्ट से है, वो उनकी ECG जो हमने करी है उसमें जो चेंजेस हैं वो एविडेंट है, वो हमें क्लियर कट बता रहे हैं कि वो हार्ट अटैक है. हार्ट अटैक तब होता है जब दिल को जाने वाली खून की नसों में, दिल को जाने वाली तीन मेन खून की नसों में होते हैं, तो उन खून की नसों में से कोई एक खून की नस में, कम से कम किसी एक में खून का क्लॉट आ जाता है और वो नस बंद हो जाती है, तो आगे खून नहीं जाता, आगे जाने वाला जो हिस्सा है वहाँ पर डैमेज होने लगता है, हार्ट अटैक होने लगता है. अब ऐसे सिचुएशंस में जब तक वहाँ की नस खुल ना जाए, वो जाने वाली नस खुल ना जाए, तब तक डैमेज हो रहा है, लगातार हर सेकंड हर मिनट डैमेज हो रहा है. इसका इलाज, जब तक वो नस खोल ना दो, जहाँ पे वो क्लॉट है, या तो वो वहाँ से हट ना जाए, वहाँ से खुल ना जाए, तब तक अटैक चल रहा है, और जब अटैक चल रहा है तो जान का खतरा बना हुआ है. अटैक जब चल रहा होता है तो आपके दिल की धड़कन, पेशेंट के दिल की धड़कन कम या ज़्यादा होके रुक सकती है, पेशेंट को हार्ट जो है कमज़ोर होके फेल हो सकता है, पेशेंट को जो इलाज है उसके बावजूद भी हार्ट कमज़ोर रह सकता है, और बिना किसी कारण के भी कई बार हार्ट रुक जाता है फड़फड़ा के, ये इलाज के बावजूद भी. पहले 24 से 48 घंटे तक किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक हो, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हार्ट अटैक हो, पहले 24 से 48 घंटे तक अटैक बढ़ता जा सकता है और अटैक से जान जाने का खतरा होता है, चाहे इलाज कोई भी करे, कैसा भी करे, कैसा भी इलाज हो, कोई भी इलाज हो, पहले 24 से 48 घंटे तक खतरा बना रहेगा जान का. अब इलाज इसमें दो प्रकार के हैं. पहला जो अर्जेंट इलाज है, तो बात है अब जान बचाने की, जान का रिस्क कम करने वाली बात है, और इसमें इलाज है दो प्रकार का. दुनिया भर में जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन इलाज है वो है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी. एंजियोग्राफी इलाज नहीं है, वो एक जांच है जिसमें हम एंजियोग्राफी में आपके पैर से, पेशेंट के पैर से तार डाल के, उस तार को दिल के पास ले जाके एक डाई डाल के देखते हैं कि कौन कौन सी नसें बंद है, कितने परसेंट बंद है. कोई चीरा या टांका नहीं लगाया जाता, सिर्फ एक छेद किया जाता है, एक तार डाली के लिए सुई लगाई जाती है, उस सुई से ही सारा कुछ किया जाता है एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी में मोटी सुई डाली जाती है और उसी के थ्रू जहाँ पे ब्लॉकेज होता है उसके ब्लॉकेज के थ्रू एक तार डाल के वो ब्लॉकेज का क्लॉट खींचा जा सकता है और खींचने के बाद में वहाँ स्टेंट लगाया जा सकता है. तो अगर हम ऐसा स्टेंट लगा देते हैं तो वो दुनिया का सबसे अच्छा इलाज है, जिसमें के सिर्फ 1% 2% ऐसे केसेस हो सकते हैं कि स्टेंट लग ही नहीं सकता, इतना सारा ब्लॉकेज है, पूरी की पूरी नस बंद है, ब्लॉकेज है, वरना ज़्यादातर केसेस में इलाज हो सकता है. इलाज होने के बावजूद खतरा बना रहेगा पहले 24 से 48 घंटे तक, क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा है जो, जैसे किसी को अगर गोली लग जाए, आपने गोली निकाल भी ली तो घाव तो रहेगा, टांके लग भी गए फिर भी घाव तो रहेगा. उस घाव लगे हुए बाजू को आप आराम से रोक सकते हो, लेकिन दिल को रोका नहीं जा सकता. अगर दिल रुक गया तो पेशेंट गया. इसलिए
कोई भी चोट लगने के बाद उस हाथ को हिलाते रहोगे तो डैमेज बढ़ सकता है, वैसी ही नस खोल देने के बावजूद 24 से 48 घंटे तक खतरा बना रहेगा, खतरा कम हो जाएगा लेकिन बना रहेगा। याद रखिएगा पहले 24, ये सबसे अच्छा इलाज है। पहला तरीका एंजियोप्लास्टी और स्टंट लगाना। दूसरा इलाज है क्लॉट घोलने का इंजेक्शन देना। क्लॉट घोलने का इंजेक्शन 70 से 80% केसेस में क्लॉट घोल देता है, 20 से 30% केसेस में क्लॉट नहीं घोल पाता और 6% केसेस में ब्लीडिंग हो सकती है इस क्लॉट घोलने के इंजेक्शन से, ब्रेन में, पेट में, कहीं भी। किस पेशेंट की कौन सी नस कहाँ कमज़ोर है, किसी की अगर कमज़ोर है नहीं है ये पहले से नहीं पता होता, तो अगर पेशेंट की खून की नस पहले से कमज़ोर है तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है, ये बात आपको समझनी है। सो इन सब बातों को समझते हुए लेकिन जान बचाने के लिए हमें दोनों में से एक इलाज पहले करना ज़रूरी है। एंजियोग्राफी करने के बाद में थ्रोम्बोलिसिस यानी क्लॉट घोलने वाला इंजेक्शन देंगे तो जहाँ से एंजियोग्राफी करी है वहाँ से ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, इसलिए एंजियोग्राफी करने के बाद थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर सकते हैं। या तो हम क्लॉट घोलने वाला इंजेक्शन दें या तो हम स्टंट लगाएं। बहुत बड़ा सवाल, कौन सा इलाज बेहतर है? जो इलाज पहले हो जाए, जो इलाज अटैक चल रहा है, हर सेकेंड डैमेज हो रहा है, तो जो इलाज आप तुरंत करा लें वो बेहतर है। अगर हम आधा घंटा एक घंटा सोचने के बाद 6 स्टंट लगवाएं उससे बेहतर है पहले इंजेक्शन लगवा लें। सो इसीलिए सबसे अच्छा इलाज है जो पहले और जो जल्दी हो जाए। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट। और पहला 3 से 6 घंटा गोल्डन पीरियड होता है, पहला 1 घंटा गोल्डन आवर होता है, उसमें इलाज जल्द से जल्द मिल जाए तो पूरा रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक दिन हो गया, कुछ घंटे हो गए, तो उस घंटों के बाद में फिर डैमेज परमानेंट होता जाता है। तो अगर आपके किसी पेशेंट को ऐसा कुछ होता है तो यही सवाल आपसे सुनने पड़ेंगे और इन सवालों के जवाब में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बी स्ट्रॉन्ग, और आपको डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देख के, अपने प्लास्टिक को देख के, अपने अपने पेशेंट को देख के और डॉक्टर के ऊपर भरोसा रख के, ठीक है? अगर कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए और शेयर द वीडियो। थैंक यू।